Hello guys, so welcome back again my YouTube channel Jackson Action Studio. So अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा. आज का वीडियो शुरू करते हैं. तो आज का वीडियो हमारा होने वाला है बॉडी वेट्स. सो बॉडी वेट्स हम सीखेंगे आज स्लोली. ओके रेडी, सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. बॉडी को लेफ्ट साइड या राइट साइड टर्न कर लीजिएगा. तो एक लेग आगे एक लेग पीछे रख लीजिएगा. तो हैंड्स को आपने कमर पे या जहाँ पे बेल्ट डालते हैं हिप पर पकड़ लीजिएगा. तो ओके, तो फर्स्ट मूवमेंट आपको होने वाला है बॉडी बेंड. सिर्फ बॉडी को आपको क्या करना है, आपकी तरफ बेंड करना है. ओके, बेंड करके आपको क्या करना है, हेड को ऊपर करना है, आपको चेस्ट पर साथ ही चेस्ट को आगे की तरफ देखना है. ओके, देखो फर्स्ट 1 2 3. ओके, चेस्ट आगे. ओके रेडी, देखो फिर से 1 2 3. ओके चेस्ट आगे. इसके बाद चेस्ट को पीछे की तरफ पुश करना है, पेट. ओके, पेट को आगे की तरफ पुश करना है, चेस्ट को पीछे, पेट को आगे. ओके, इसके बाद पेट को पीछे पुश करके हिप को बेंड करना है और इस पोजीशन में सिट करना है. ओके, देखो 1 2 3 एंड 4. ओके, पेट को एकदम से ऐसे मोड़ के, एकदम सांप की तरह मोड़ के अपने पोजीशन में सिट बैठना है. रेडी, देखो 1 2 3 एंड 4. ओके 1 2 3 4. ओके, अगर आपको यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो आप दीवार पे सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं. तो दीवार पे बॉडी पहले हाथ को ऐसे रख लो, फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा सिर अप करना है. इसका मतलब सिर अप करना है, मतलब सिर को थोपना नहीं है, ठीक है. सिर को थोड़ा आगे लेके जाना है, फिर जाके चेस्ट को आगे टच करना है. ओके, देखो चेस्ट को टच, फिर पेट को टच, फिर हिप, फिर बैक. ओके, देखो 1 2 चेस्ट, 3 स्टमक, 4 हिप, 5 बैक. देखो 1 2 3 4. एकदम से क्या, सिर को टच करके फिर बैक जाना है, टच करके हिप को टच करके बैक जाना है. देखो फिर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5. या किसी बोल के लेके सपोर्ट लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो ठीक है, तो एक और बात करेंगे. रेडी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8. अगर आपको बॉडी वेट्स थोड़ा आ रहा है तो इतना झुकने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है. उसके बाद थोड़ा सा ऊपर करेंगे, थोड़ा सा बस इतना झुकेंगे, फिर यहाँ से वेव्स करेंगे बेंड करके. रेडी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, इसके बाद आपको बॉडी वेव्स आ रहा है तो आपको क्या करना है, ऑपोजिट भी ट्राई करना है, ठीक है. देखो ऑपोजिट टर्न करना है, फिर ऑपोजिट एक और बार ट्राई करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3. नेक्स्ट चेंज. ओके, सो बॉडी वेव्स होने के बाद आपको क्या करना है, साइड वेव्स में ध्यान देना है. सो साइड वेव्स तो आपको थोड़ा सा सिट करना है. सिट करने के बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट बेंड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, बेंड करने के बाद आपको क्या करना है, बॉडी देखो यहाँ पे इस पोजिशन में आपको पेन होना चाहिए थोड़ा सा. देखो बेंड करने के बाद आपको हेड को अप करना है. ध्यान रहे हेड साइड साइड जाना चाहिए, ओके, आगे की तरफ से नहीं और पीछे की तरफ से भी नहीं जाना चाहिए. जहाँ पर बेंड हो रहा है फिर यहाँ से ऊपर की तरफ से बैक ऊपर जाना चाहिए. सो बॉडी पीछे की तरफ पुश एंड इस साइड बेंड, यहाँ पे बेंड और हेड अपोजिट आ जाएगा, फिर यहाँ पे स्ट्रेच हो जाएगा. तो ओके, आगे सेम हेड को पुश बेंड, सेम अपोजिट, सेम स्लोली 1 2 3 4. ओके, इसको स्लोली ध्यान स्लोली करना है, ठीक है. देखो फिर से करेंगे 1. ओके, बॉडी बेंड, देखो 1. ओके, मैं हाथ यहाँ पे रख लेता हूँ, लेकिन देखो 1. ओके, पुश स्लोली पुश बेंड. ओके सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3. नेक्स्ट चेक.
ओके अभी दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट क्या करना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 next 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 next 10 सिर्फ मेरा बॉडी पे ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 next 10 ओके। सिट करते हो ना, सिट करने के बाद आपको क्या करना है, पहले हिप को पुश करना है, हिप फिर पेट फिर चेस्ट फिर हेड, ओके। देखो 1 2 3 4 ओके। देखो फिर से इस पोजीशन में सिट हो जाओ, यहाँ से अप, हिप अप, पेट चेस्ट हेड, ओके। देखो 1 2 3 4 स्लोली वन बाय वन ट्राई करना है आपको, ठीक है। एक ही बार ऐसे 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 नहीं करना है, ठीक है, समझ लो। एक एक काउंट्स में करना है आपको, स्लोली ट्राई करना है, बिगिनर्स के लिए प्लीज स्लोली ट्राई किए, रेडी। देखो 1 2 3 4 देखो 1 2 3 4 वन मोर टाइम, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 next 10 फिर आप दोनों को कमेंट कर सकते हो। तो एक बार अपोजिट कर लेते हैं, देखो फर्स्ट ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। तो थैंक यू सो मच, आज के वीडियो के लिए इतना ही था। तो आप मिलते हैं हमारे अगले, तो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।